नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आपने इलेक्शन कब लड़ा था और कैसा था एक्सपीरियंस आपका? मेरा इलेक्शन 2015 में आपका 3 अक्टूबर को हुआ था और करीबन 32 वोट से मैं पहली बार खड़ी होकर 22 दिन की कैंडिडेट में हार गई थी। और 22 दिन आपने प्रचार किया था? जी। अच्छा, सिर्फ 22 दिन। आप तो एक हाउस वाइफ थी, जी, पॉलिटिक्स में कैसे आ गई? जी, पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स करते थे, मतलब मौलदा के बोलने की वजह से हम लोग, मतलब वो चाहते थे, उनका ये मानना था कि मेरे अंदर वो जज्बा है, हम कर पाएंगे। अच्छा। बस उनके सपोर्ट की वजह से हम घर से बाहर निकल पाए और आज उन्हीं की उम्मीद पे हम खड़े उतरे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि आपका वार्ड में कैसा काम हो रहा। जी, 5 साल में करीबन काम तो बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग की जो पार्टी है TMC और उनकी जो, हम लोग की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनका तो एक एक काम आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। महिलाओं के प्रति करीबन उनका सपोर्ट 50% बहुत अच्छा रहता है, तो उसी के सपोर्ट से हम लोग, बस हम लोग का बस एक कोशिश रहता है कि हम लोग वार्ड में अच्छे से अच्छा काम दे सके फिलहाल महिलाओं के लिए। आप तो बहुत कम वोट से हारी हैं जी, मेयर साहब का कैसे सपोर्ट मिल रहा है आपको? ये बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। आज उनकी वजह से ही मेरे वार्ड में जो टूटा फूटा रास्ता है, या फिर महिलाओं के लिए पेंशन वगैरह हो, या फिर वृद्धा पेंशन हो, या फिर किसी गरीब का लड़की का शादी हो, इसमें वो बहुत सपोर्ट करते हैं। अलग से भी पूजा पाठ हो, मंदिर हो, सब चीज़ में उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। आपने सोचा था कि आप इतने कम वोट से हारोगे? जी नहीं, सोच तो यही था कि पार्टी का जो सपोर्ट मिला था, हर किसी का सपोर्ट, पार्टी के बड़े बड़े नेता मंत्री सभी का मेरे प्रति बहुत सपोर्ट था। फर्स्ट टाइम लगा नहीं कि इतना प्यार जो मिल रहा है, लग रहा था जैसे परिवार है मेरा। तो कभी सोचे नहीं थे कि इतना कम मार्जिन से हम हार जाएंगे। आप अभी कौन पोस्ट में हो? अभी मेरा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट की महिला तृणमूल वर्किंग प्रेसिडेंट का। तो हम लोग देख रहे हैं संगठन बनाने के लिए आप गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है। महिलाओं का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलता है। ऐसे तो मेरे भाई लोग भी हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, लेकिन महिलाओं का सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि वो लोग, अगर हम मोहल्ले में दिख जाए उन लोगों को, तो एक नहीं 100 एक साथ निकल जाती हैं और हमेशा कहती हैं, दीदी हम लोग आपके साथ हैं, आप जहाँ बोलिएगा हम लोग आपके साथ चलेंगे। ममता बनर्जी आपका अब CM है जी, उनके आने से क्या और महिलाओं को कुछ ताकत मिला है? जी बिल्कुल, उनके आने से सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही सपोर्ट मिला है, क्योंकि जो महिलाएं कुछ साल पहले घर में बैठी रहती थी, वो अभी बाहर निकल रही हैं, अपने आप को एक नया पहचान दे रही हैं सिर्फ दीदी के वजह से। क्योंकि दीदी ही एक हम लोगों के लिए एक ऐसा नाम है जिसके वजह से हम लोग अपने आप को पहचान पाए हैं। जो अग्नि कन्या जो एक नाम मिला है उनको, एक हर एक औरत अपने आप को इस नाम से उभारती है। हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी बहुत सारे काम किए हैं जी, लेडीज के लिए वो क्या काम की जिससे आप इंस्पायर्ड हो? जी बिल्कुल, सबसे बढ़िया काम तो लेडीज के लिए हुआ है। सबसे पहला काम उनका जो है वो कन्याश्री है, लड़कियों के लिए पढ़ाई में मदद करना, जिससे वो करीबन 25,000 रुपये जो मदद करती हैं लड़कियों को, वो आगे की पढ़ाई के लिए, जो लड़कियां पैसों की तंगी की वजह से घर बैठ जाती हैं, इस मदद से वो आगे के लिए पढ़ पाएंगी, 11th 12th हो, ग्रेजुएशन हो, इसके लिए वो हमेशा अग्रसर रहती हैं। लड़कियों छात्राओं के लिए स्कूल ड्रेस, जूता, बैग, किताब खाता, ये सब कुछ मदद कर रही है ताकि बच्चे पैसों के अभाव में घर ना बैठ जाए। साइकिल का भी स्कीम है? और साइकिल, जी हाँ, साइकिल भी है, क्योंकि आने जाने में उनको असुविधाएं होती हैं, पैसे की ना होने की वजह से वो लोग घर बैठ जाते हैं पैदल आना जाना, इस वजह से दीदी ने साइकिल भी दिया। एक रूपश्री योजना, वो क्या है? जी, रूपश्री योजना, रूपश्री एक ऐसा योजना है जो दीदी गरीब लड़कियों के लिए, मतलब जिनके माता पिता सक्षम नहीं होते उनकी शादी को लेके, बड़े होने के बाद एक अलग ही चिंता होती है लड़की के माँ बाप को कि एक शादी उनका कैसे किया जाए। तो शादी के लिए दीदी ने 25,000 रुपये रूपश्री के माध्यम से एक योजना बनाई, जिसके वजह से उनके माँ बाप को मदद मिले। तो ये सिर्फ दीदी के वजह से ही ये सक्षम हो पाया है, उनके सोच की वजह से ही, जिन्होंने जन्म से लेके मृत्यु तक इस चीज का एक खोज किया, जिसके वजह से कि मतलब लोगों को ये मदद मिल सके जी, यहाँ तक कि जन्म स्कूल से लेके, पढ़ाई से लेके, स्कूल जाने तक लेके, किताब कॉपी से लेके, यहाँ तक कि शादी तक भी उन्होंने इसका एक तरीका निकाला जिससे गरीबों की मदद की। इसके बाद अगर किसी को डेथ हो जाता तो उसके लिए भी स्कीम आता जी, बिल्कुल, समावर्ती जिसको बोलते हैं। तो इसमें दीदी ने
2000 रुपये करके मरने वालों को ये मदद किया कि जिनसे उनको कोई तकलीफ ना हो उनके काम में, इस वजह से भी दीदी ने एक ये निर्माण किया। आप तो संगठन में हम देखते बहुत आप एक्टिव हो, तो आप जब लोगों से मिलते हो खासकर महिलाओं से, उनके क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है? जी, महिलाओं का प्रॉब्लम मेन जो घर में बिल्कुल ही रहती हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको तो घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो घर में किसी को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, किसी की सास से प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं ऐसी महिलाओं को घर से बाहर निकाला जाए, उनके लिए कुछ रोजगार हो, या फिर बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जिनको महिलाएं खुद बाहर निकल के बोलना चाहती हैं पर किसी के दबदबाव में आकर वो बोल नहीं सकती। तो दीदी के आने के बाद करीबन तो बहुत सी महिलाएं जो है निकल चुकी हैं घर से बाहर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां हम लोग अभी भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहां हम चाहते हैं कि हम लोग अपने पार्टी के थ्रू पहुंचे वहां पे और जाके उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो पार्टी से मेरा यही निवेदन है कि पार्टी इसलिए मेरा थोड़ा और साथ दे ताकि उन महिलाओं को हम अपने साथ लेके आ सके दोबारा जीने का। टीएमसी भी कैसा काम कर रही है? जी, टीएमसी की तरफ से तो अभी काम हर क्षेत्र में अच्छा हो रहा है। अब किसी भी क्षेत्र में देखिए, शिक्षा हो, पढ़ाई हो, या फिर आपका लड़कियों के लिए जो भी सुविधाएं हैं, या फिर हॉस्पिटल लेकर देखिए, हर क्षेत्र में टीएमसी अच्छा काम कर रही है। लेडीज को भी चाहिए कि थोड़ा आगे निकले घर से। जी बिल्कुल, सोच बदले, महिलाएं अगर सोच अपनी बदलती हैं और बाहर निकलती हैं तो हमारा हमारा पार्टी का पूरा ये सपोर्ट मिलेगा कि वो हर तरफ से उनका सपोर्ट करे, और जब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं तब तक हम कैसे समझ पाएंगे। लेकिन हमारा ये पूरा टाइम रहता है उनके प्रति कि हम खोज के उनको निकालते हैं घर से बाहर, लेकिन अगर वो थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ाए तो हम उनको आसानी होगी, समाज और बदलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा दीदी का आपका हुकूमत बनने के बाद आसनसोल में एजुकेशन पे कैसा काम हुआ? जी बहुत अच्छा काम हुआ एजुकेशन में आपका। सबसे पहले देखिए हिंदी विश्वविद्यालय काजी नजरुल जो बना, सबसे बड़ा काम हुआ एक यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको जो लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, वो उनको अब आसनसोल में सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा काम है आपका कि यहाँ पे सब लैंग्वेज को हम लोग देखते हुआ जी है, इवन उर्दू भी अभी हो गया भी है। जी दीदी को जो हुआ, हर एक भाषा में दीदी का मतलब ये लक्ष्य रहता है कि किसी को मतलब प्रॉब्लम ना हो, सबको लेके चलना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो सबके लिए कुछ ना कुछ की है, जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में किसी को कोई असुविधा ना हो। हेल्थ सेक्टर में क्या देखते हो, कैसा बदलाव हुआ आसनसोल में? हेल्थ सेक्टर में भी बहुत अच्छा बदलाव है आपका। ईएसआई हॉस्पिटल ले लीजिए, जी हॉस्पिटल, जी हॉस्पिटल वो भी बहुत बड़ा कर दी है। हर तरह का सुविधा है वहाँ पे, पेशेंट को किसी तरह का तकलीफ ना हो, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। आपका हम लोग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लीजिए, वहाँ पे हर तरह का सुविधा दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए अलग सुविधा। झारखंड से भी देखते हैं लोग आते हैं? जी बिल्कुल, बाहर से भी। हम तो वहाँ जाके सप्ताह में 2 दिन मुआवजा करके आते हैं वहाँ पे, तो मैंने देखा है कि वहाँ से ज्यादातर बाहर के लोग ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधा है मेरे ख्याल से वो किसी भी आसपास के शहर में नहीं है। सही में आप जो मुआयना करते हो कुछ अब देख के ही आते हो? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट होने के बाद आसनसोल को कोर्ट मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिला, यहाँ पे लाइब्रेरी हुआ, बहुत कुछ हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ। जी हर मतलब देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में काम हुआ है यहाँ पे, कोई भी ऐसा क्षेत्र आप बोल नहीं सकते कि जिसमें काम नहीं हुआ। आप एक हाउस वाइफ थी, फिर अचानक देखे कि आपको टिकट में मिलता है, आप इलेक्शन में उतर जाती हैं, ठीक है, तो एक हाउस वाइफ के लिए पॉलिटिक्स के फील्ड में आना कितना चुनौती है? जी देखिए बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये। ऐसे तो एक हाउस वाइफ के लिए बाहर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि घर के कामों को समेटने के बाद बाहर निकलना हम लोगों के लिए पथ पथ पे बहुत मुश्किल होता है। घर के कामों को करके, बच्चों को संभाल के, घर के सभी और कामों को करके हम लोगों के लिए बाहर निकलना, हम लोग जब पॉलिटिक्स में आए तो ये सोच के बाहर निकलते हैं कि किसी के आंखों में आंसू ना रहे, हर एक का मदद कर सके, हर एक के प्रॉब्लम को हम लोग समझ सके। इस वजह से हम लोग अपनी दिनचर्या में ये एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम है इसको हम लोग ऐड किए हैं, ताकि इससे हम लोग समाज में जो सोशल वर्क होता है, ये एक सोशल वर्क के माध्यम से ही हम लोगों के जरिए हम पहुंच रहे हैं, लोगों का प्रॉब्लम देखते हैं। जब आप दूसरों के आंसू को पोंछती हो जी, कैसा महसूस होता है? ये बहुत अच्छा, इससे बड़ा पूजा कुछ नहीं है। एक इंसान की मदद करना इससे बड़ा इबादत कुछ नहीं है, इससे बड़ा पूजा कुछ नहीं है। अगर आप भगवान को दिन भर में एक बार भी याद कीजिए तो चलेगा, नहीं भी याद कीजिए तो चलेगा, लेकिन इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है कि एक इंसान की मदद करना, जो हम लोगों के टीएमसी के बाकी नेता भी करते हैं। हम लोग के दादा हैं मौलादा, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट मेयर साहब हैं, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट लेवल के,
वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों के पास दिन भर खड़े रहना, इतना एक्टिव होना, इतना मेहनत करना, बस उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं भी पीछे ना रहे, वो भी घर से बाहर निकले और हम लोगों के जैसा, वो भी एक हाथ दो हाथ नहीं 10 हाथ मिलकर हम लोग काम करें, ताकि आगे संसार उन्नति। रेखा सिंह को हम लोग फ्यूचर में कहाँ देख सकते हैं? जी देखिए, मैं तो एक हाउसवाइफ थी, मुझे घर से मेरे फैमिली मेंबर्स ने ही निकाला, मुझे पार्टी में खड़ा किया। जी बिल्कुल, तो पार्टी में आने के बाद बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए ये करना, क्योंकि हम लोग जब करीबन 14 साल घर में रह के अचानक से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब दीदी के फैसला कर दिया तो उसको अपने मान लिया। जी, उसको मैंने अपने सराखों पे रखा, उसके उनके सम, उनके जो फैसला था उसको मैंने सम्मान दिया। और जब मैं घर से बाहर निकली तो जब लोगों की तकलीफों को मैंने देखा और अपनी दीदी को जब देखा कि वो एकजुट मतलब लड़ी जा रही है सबसे एक औरत होके, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने बस उस दीदी के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाया और उनके नाम को आगे ले जाना ही मेरा लक्ष्य है, ताकि कोई पीछे ना रहे, उनके उनके ही नाम को हमको आगे बढ़ाना है बस। अब दीदी मतलब क्या क्या संबोधन करना चाह रहे हैं? दीदी हम लोग की ममता बनर्जी, हम लोग की चीफ मिनिस्टर, उन्हीं का नाम आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि वो जो की है हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, उनका नाम कभी हर कोई जाने, जिस क्षेत्र में मतलब उनका नाम, जैसे धनबाद एरिया है या फिर आपका झारखंड एरिया है या फिर बिहार एरिया है, हम चाहते हैं दीदी का नाम हर जगह जाए, क्योंकि एक महिला ही महिला को समझ सकती है और उन्होंने ही मुझे भी समझा है, मुझे भी इस रास्ते पे वो लेके आई है, तो हम चाहते हैं कि दीदी का हाथ मजबूत हो।